अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन। हम लोगों ने डिस्कस किया है कैनॉन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो टैक्सेशन आपको पता है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। तो हम लोग क्या इसमें देखेंगे कि आपके पास जो क्या प्रिंसिपल्स हैं गुड टैक्सेशन के, बिकॉज किसी भी कंट्री जिसका टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पर गवर्नमेंट का जो बजट है वो सरप्लस में जा रहा होता है, बिकॉज उसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो बड़ा बैलेंस में कलेक्ट हो रहा होता है। तो ये एडम स्मिथ ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे टैक्सेशन के, कुछ कैनॉन्स दिए थे, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली पहले हम ये देख लेते हैं कि देखें जो भी आपके पास गुड टैक्स है, कुछ गुड टैक्स सिस्टम है, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज होना ज़रूरी हैं। और ये जितने भी आपके पास कैनॉन्स हैं टैक्सेशन के, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है दे मस्ट हैव टू फॉलो दीज कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन। इफ देयर टैक्सेशन सिस्टम इज नॉट अकॉर्डिंग टू दीज कैनॉन्स, सो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव दोज आउटकम्स विच आर नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट। सो एडम स्मिथ ने जो है वो इसको डिवाइस्ड किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ कैनॉन्स, प्रिंसिपल्स ऑफ द कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन को इन 1776 में, ठीक है। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी हैज लेड डाउन फोर प्रिंसिपल्स और कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन इन हिज फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन का कोट जो किया होगा वो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी, के इसकी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड की थी इसने इकोनॉमी को। और जितनी भी हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है वो उसकी जो बेसिक्स हैं दैट इज फ्रॉम द प्रिंसिपल दैट हैड बीन गिवन बाय द एडम स्मिथ। सो दीज प्रिंसिपल्स आर स्टिल कंसीडर्ड टू बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साउंड पब्लिक फाइनेंस। सो एनी एडमिनिस्ट्रेशन, एनी गवर्नमेंट, दे वॉन्ट टू मेक देयर पब्लिक फाइनेंस साउंड, सो दे हैव टू बी फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रिंसिपल विच हैड बीन गिवन बाय द एडम स्मिथ। सो एडम स्मिथ सेलिब्रेटेड कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन आर कैनॉन्स ऑफ इक्विलिटी, और इट आल्सो कॉल्ड कैनॉन्स ऑफ एबिलिटी, कैनॉन्स ऑफ सर्टेनिटी, कैनॉन्स ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनॉन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट वन इज कैनॉन ऑफ इक्विलिटी और एबिलिटी। कैनॉन्स ऑफ इक्विलिटी और एबिलिटी इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन। बाय इक्विलिटी वी डू नॉट मीन दैट पीपल शुड पे इक्वल अमाउंट बाय वे ऑफ टैक्सेस टू बी टू द गवर्नमेंट। ये कैनॉन्स ऑफ इक्विलिटी हमें ये बताता है कि आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है that is based upon the equality. Equality does not mean that equal amount should be levied to the every person from the public. Balki iska kya matlab hota hai, by equality is meant equality of sacrifice, that is people should pay tax in proportion to their income. Everybody can sacrifice certain amount of money according to their wealth. So it's mean that every person have the ability to sacrifice certain amount of money to the government, and the government have to be collected the amount of money in the proportionate of the income that people have. So this principle point to progressive taxation. So it means that the person who have the high rate of income should levied a high rate of taxation. So it state that rate or percentage of taxation should increase with increase in income and decrease with decrease in income. Progressive taxation के बारे में हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि equality का मतलब ये है यहाँ पर कि everybody have the power to sacrifice amount of money. लेकिन उसका रेट क्या होगा,
depend upon the source of income the people the person have earned. So जिसकी income कम है वो उतनी amount जो है वो उतनी ही sacrifice करेगा, जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा sacrifice करेगा, जिसकी कम है वो कम sacrifice करेगा. In the words of Adam Smith, the subject of every state ought to contribute towards the support of government as early as possible in proportion to their respective abilities, that is in proportion to revenue which they respectively enjoy under the protection of state. So Adam Smith ke words jo the wo ye the ke that is the subject of every state that it is ought to be contributed towards support of government as early as possible in proportion to their respective ability. Iska kya matlab hua ki har shakhs apni istataat ke mutabik government ko support provide karega in the form of taxation, that is in proportion to revenue. उसका contribution उस revenue के according होगा which they respectively enjoy under the protection of state, because state जो है उसके return में public को बहुत सारी facilities provide कर रही होती है, defence provide करती है, education provide करती है, health provide करती है, good environment provide करती है, circumstances provide करती है. So this is the right of every government कि government को जो है वो revenue generate हो in the form of taxes. So canine of certainty, the canine of certainty implies that there should be certainty with regard to amount which taxpayer is called upon to pay during financial year. Certainty का मतलब ये है कि जो amount है वो certain हो और taxpayer जो है वो well aware हो कि उसने financial year में कितना amount है pay करनी है. If the taxpayer is definite and certain about the amount of the tax and at time of payment, he can adjust his income to his expenditure. अगर taxpayer जो है उसको definite और certain amount का पता होगा तो वो payment के time पर अपने income और अपने expenditure को उसके accordingly ही जो है वो balance करेगा. उसको पता होगा कि उसने जो है वो tax की form में भी एक expense करना है, तो वो अपने remaining expenditure को और अपनी जो incoming उसकी जो sources हैं, जो income है, उनको उसके accordingly balance करेगा. So the taxpayer should be very certain और वो अपने एक्सपेंसेस और अपने रेवेन्यू को प्रॉपरली बैलेंस करेगा. द स्टेट आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रिंसिपल बिकॉज इट विल बी एबल टू नो रफली इन एडवांस द टोटल अमाउंट विच इट इज गोइंग टू ऑब्टेन. और उसके साथ साथ जो आपकी गवर्नमेंट है उसको भी एक रफली आइडिया होगा कि उसके पास रिसीवेबल कितने आने हैं एंड द टाइम व्हेन इट विल बी एट इट डिस्पोजेबल. इफ there is an element of arbitrariness in the tax, it will be then encourage the misuse of power and corruption. So जब भी आपके पास कोई भी taxation को tax को evade करेगा तो government जो है वो उसके correspondingly अपने जो है वो कोई ना कोई policies बना सकता है ताकि लोग अपनी power और corruption के जरिए जो है वो tax को evade ना कर सकें. So it's का मतलब है कि government ना सिर्फ सर्टन होती है अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम बट आल्सो दे हैव टू बी फॉर्मुलेटेड दोज पॉलिसीज विद द प्रिकॉशनरी पॉलिसीज विद द हेल्प ऑफ विच द पीपल जो है वो टैक्स अवेट्स नहीं कर सकते. Adam Smith in this connection remarks, the tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid, all ought to be clear. हर चीज जो है वो clear होती है. Certainty आपको ये कहती है कि हर चीज बहुत clear है. आपको timings, amount, आपको mode of payment और आपको quantity हर चीज बड़ी clear है and the plan to contribute it and to every other पर्सन. ठीक है, तो आपको हर चीज हर एलिमेंट ऑफ टैक्सेशन जो है वो क्लियर होता है. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी. थर्ड इज द केनाइन ऑफ कन्वीनियंस. बाय दिस केनाइन एडम स्मिथ मीन दैट टैक्स शुड बी लिवाइड एट द टाइम एंड द मैनर विच इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर द कंट्रीब्यूटर टू पे इट. इट मीन्स दैट
the taxpayer should be should follow those medium of the payment which is very convenient to the people, that is very easy. For instance, if the tax on agricultural land is collected in installment after the crop is harvested, it will be very convenient for the agriculturist to pay it. Example दी हुई है वेरी क्लियर कि अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स दे रहा है और उसकी इंस्टॉलमेंट्स उसकी हार्वेस्टिंग के बाद वो उसको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ रही है, तो वो बड़ा कन्वीनियंट और इजी हो जाएगी. सो वही बात है कि टाइमिंग्स मोड उसका जो है, उसका पेमेंट का मोड लाइक इंस्टॉलमेंट में है, लमसम अमाउंट है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको सर्टन होंगी, तो आपके लिए कन्वीनियंट भी होगा. सिमिलरली property tax, house tax, income tax etc. should be realized at the time when the taxpayer is expected to receive income. So आपके पास जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स हैं, हाउस टैक्स हैं, इनकम टैक्स हैं, ये रियलाइज्ड होते हैं एट टाइम जब टैक्स पेयर एक्सपेक्ट करता है कि उसने कोई अमाउंट और रिसीव करनी है. ठीक है, तो जब आपके पास अमाउंट रिसीव होगी देन यू विल हैव बीन पे द अमाउंट. सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट इफ़ यू हैव द सर्टन अमाउंट ऑफ मनी एंड देन यू हैव टू सेक्रीफाइस दैट अमाउंट, सर्टन अमाउंट फ्रॉम दैट इनकम. फाइन, the manners of payment of tax should also be convenient. If the tax is payable by check, the contributor will save from much inconvenience. Fine, तो जब भी आप अपने payable करोगे through check करोगे तो आपके पास ये ज्यादा convenient और safe होगा. In the words of Adam Smith, every tax ought to be levied at time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. और ये Adam Smith के ये जो words थे उसकी book में ये थे कि हर tax को जो है, हर taxpayer को के ऊपर जिसके भी ऊपर tax levy हो रहा है उसके ऊपर जो mode है, जो manner है, वो ऐसा होना चाहिए जो contributor के लिए convenient.